प्रधानमंत्री जी, पहले मैं शुरू करूंगा, ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या पोजीशन है आज। आज हमारी पोजीशन ये है कि हमारे टोटल केसेस 3,266 हैं, उनमें से हमारी 71 हमारी डेथ्स हुई हैं। टोटल सैंपल जो हमने किए हुए हैं, सैंपल्स किए हैं, 1,88,699, और जो पॉजिटिव सैंपल्स निकले वही हैं 3,266। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि 2,443 रिकवर करके वापस चले गए अपने घरों में। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग विच इज़ हैपनिंग हेयर। आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में हमारी 682 हैं सिर्फ, और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में 9 लोग हैं, 9 पेशेंट्स हैं, और वेंटिलेटर सपोर्ट पे सिर्फ एक पेशेंट है। ये तो पोजीशन हमारी बनी है इस वेले। अब जो बाकी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ सर, आपने ये जो पहले तो मैं इसके फिगर्स की थोड़ी सी ब्रेकडाउन बताऊँ कि 1,504 तो हैं जो बाहर से आए हैं, जो केस हमारे बने हैं, और लोकल केसेस 1,763 ये लोकल केसेस हुए हैं यहाँ अपने इस एरिया में। और लोकल केसेस हैं सर, 3 बार हमारे लोग आए बाहर से। एक तो आपको पिछली बार भी मैंने बताया था, 1,43,000 तो आए बाहर ले मुल्कों से, जो पालम एयरपोर्ट या वहाँ मोहाली या अमृतसर जाके इधर आ गए। और फिर हम एक स्पाइक हुई थी निज़ामुद्दीन के टाइम, और एक फिर स्पाइक हुई थी जब हमारे नंदेड़ से लोग आए थे। तो ये 3 स्पाइक्स हुई, और उसके बाद कंट्रोल में। ये ज़्यादा क्यों, उस टाइम में हमारे 14, 15, 20 तक जाते थे। अब उस टाइम हमारी टेस्टिंग थी पहले 700 के करीब, फिर 2,200 हुई, आज हम 8,000 और 10,000 तक पहुँचे हैं। तो दैट इज़ वाई फिगर्स थोड़े से आपको लगते हैं कि ज़्यादा, जैसे मैंने आज कहा कि आज के दिन ये 15 तारीख की रिपोर्ट है, 127 हुए हैं। तो इट इज़ बेसिकली, वन इज़ ऑफ कोर्स दो द क्वेश्चन ऑफ टेस्टिंग, दूसरा सर वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ पीपल कमिंग टू पंजाब। तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपको होगी कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक और तरीका है कि जिस स्टेट में से आ रहे हैं उसमें आपने टेस्टिंग करवाएं, सर्टिफिकेट लें, और उस सर्टिफिकेट से हम बॉर्डर को क्रॉस करवाएं। नहीं तो वी विल बी जस्ट, जहाँ हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और फर्दर इन्फेक्शन वहाँ आ जाती है। सो दिस इज़ वन वे ऑफ चेकिंग कि कोई स्टेट एंट्री ना करने दे सर टिल सच टाइम एज सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट हो। दिस इज़ वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू से। जो हमने स्टेप्स किए हैं इसके लिए, एक तो हमने रिस्ट्रिक्शंस कर दी ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पे सोशल एक्टिविटी होती है, मंडे से फ्राइडे तो हम अलाउ करते हैं, सब कुछ खुला है। लेकिन जो सोशल एक्टिविटी में जाके लोग ये भूल जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, उसको कम करने के लिए वी हैव रिस्ट्रिक्टेड दैट फॉर द मोमेंट। फिर हमने ऐसी एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि माइक्रो कंटेनमेंट, अगर किसी मोहल्ले में, टोटल मोहल्ले को हम बंद नहीं करते, जहाँ वो केस है उसको और उसके 3-4 तरफ से जो घर हैं उनको हम माइक्रो उनका उनको बंद करते हैं उसको। फिर सर फॉर दिस जो आपने मेंशन भी किया आपने हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि ये जो लोगों को इसको फॉलो अप करना चाहिए। हाँ सर, कैप्टन साहब, मैं भी सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि जो कैप्टन साहब ने जो माइक्रो कंटेनमेंट की बात कही है, ये सचमुच में प्रयोग बढ़ाने जैसा है। थैंक यू सर। सर, रैपिड रिस्पांस टीम्स, अब ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये चले जाते हैं अपने घरों में, फिर हम पीछे उनके दौड़ते हैं। अभी 29,000 लोग, टीम्स हमने भेजी हैं गांवों में लोगों को ढूंढने के लिए, और उनको उनमें से 900 के करीब उन केसेस पॉजिटिव निकले। अब पता नहीं उस गांव में या साथ वाले गांव में या जिनको मिलते हैं कितने और को उन्होंने खराब कर दिया। सो दिस इज़ वन थिंग जो प्लीज़ दिस, आप एक स्टेप से जो सर्टिफिकेट है उससे सारा हमारा बहुत बचाव हो जाएगा इसमें। फिर हम हाउस टू हाउस सर्वेलेंस कर रहे हैं सर, कोई जो आता है, जो हमारे हमारे पास आता है उसको हम होम क्वारंटीन में कर देते हैं 14 दिन के लिए अंडर मेडिकल सुपरविजन। लेकिन और सर्वेलेंस रखते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा,
उसके बाहर तो लग जाता है पोस्टर के दिस हाउस इज इन क्वारंटीन, बट फिर भी हम चेक करते रहते हैं इसका। देन सर मैंने कराया था चेक, मैंने कहा चेक करो, पुलिस को बोला कि चेक करो। चार दिन पहले 4600 लोगों ने अपने मास्क नहीं पहने, उन पर सज़ा लगा दी। और सज़ा है 500 रुपये पहली बार, 1000 रुपये दूसरी बार, और 3000 तक हम जाते हैं जो ऐसे करता है मास्क नहीं पहनता। इसका असर ये पड़ा कि आज सिर्फ 2000 हुए हैं। और फिर थूकने वाले, उस दिन 160 लोगों पकड़ लिए थूकने वाले, उनको हो गया, अब आज वो आ गया 40 पे। तो वो थोड़ी सख्ती करने से इसका फ़र्क पड़ रहा है। फिर हमने एक लॉन्च किया सर मिशन फतेह। ये मिशन हमने सब अपने जो एक्टर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनसे हम एक कराते हैं, तो कि लोगों का मोराल रखें और लोगों को बोलें कि जो आप कह रहे हैं मास्क रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और थूकना नहीं, और ऐसी जो बातें हैं वो सारी वो करते हैं। इट इज़ हैविंग अ गुड इम्पैक्ट। फिर सर एज फार एज प्रिपेयर्डनेस इज कंसर्न, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता है कहाँ से कैसे बीमारी जाती है, हमने लेवल 1, 2, 3 से हमने 10 से लेकर 15,000 बेड्स हमने रखे हैं। अभी तक तो हालात ये नहीं है जो इसकी ज़रूरत पड़े, पर हम तैयारी रख रहे हैं, एंड वी कैन स्केल इट अप टू 30,000। कोई कमी नहीं, हमने एयरमार्क कर दिया है कि अगर इमरजेंसी हो हम यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स के कॉलेज, ये डॉर्मेटरीज वगैरह हैं, वो हम सब उसको कर सकते हैं। सो दैट इज़ बीइंग डन। एंड जो प्राइवेट हॉस्पिटल है टर्शरी केयर के लिए, वी आर कीपिंग दिस गोइंग सर। सर मैं बताना चाहता हूँ, वी आर वेल विद इन आर इक्विपमेंट वाइज, वी हैव नो ट्रबल। पर मैं बता देता हूँ आपको कि हमें वेंटिलेटर्स, वी हैव आज हमारे 584 हैं, और उसमें से फ्रेश प्रिक्योरमेंट गवर्नमेंट ने 15 की है, और 93 ऑन ऑर्डर्स हैं, तो 650 के करीब अभी तो एक ही पेपर में, जहां हम 1,500,000 एक दिन में बना सकते हैं अगर ऑर्डर हमें कोई करे। हमने सब स्टेट्स को बता दिया, आपके गवर्नमेंट को भी बता दिया कि हम कैपेसिटी है, हमें ऑर्डर करो, बट कोई ऑर्डर नहीं करता। तो मैंने आपको चिट्ठी भी आज लिखी है कि अगर कोई लेना नहीं चाहता फिर हमें एक्सपोर्ट करने को, क्योंकि फैक्ट्रीज ने तो गेयर अप कर लिया 121, तो फिर हम एक्सपोर्ट कर दें। 1,500,000 दिन में हम बना सकते हैं, तो उनकी कैपेसिटी आइडल पड़ी है वहाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने 2,223 रखे हैं फॉर इमरजेंसी यूज़। सो वी आर प्रिपेयर्ड इन एवरी वे सर ऑन दैट स्कोर। अब मैं थोड़ी सी इम्प्लीकेशन, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आना चाहता हूँ। आपने कहा आज कि इंडस्ट्री खुल रही है सर। हमारी 252,000 हमारी इंडस्ट्री है पंजाब में, और उस 252,000 में से 232,000 खुल गई, 20,000 अभी नहीं खुली, और कैपेसिटी अभी 40% पे जा रहे हैं तकरीबन, लेकिन 2-3 महीने में ये पहुंच जाएंगे जब उनकी मार्केटिंग वगैरह सब हो जाएगी। लेकिन गुड पॉइंट ये है सर कि 1,550,000 हमारे लेबर आ गई है उस फैक्ट्रीज़ में, तो वो वी आर क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड ऑन दैट स्कोर। और इंडस्ट्री अभी भी जहाँ जहाँ कमी पड़ती है वो अपने आप ही जाके, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से वहाँ के लेके आ रहे हैं, ताकि अपनी फैक्ट्रीज में जहाँ उनके पहले लोग चलते थे उनको ही लेके आ रहे हैं। सो प्रॉब्लम इज़ दिस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। कल ही आपको मैंने ये एक मेमोरेंडम भेजा है आपको, दिस इज़ अ फिस्कल सिचुएशन। आई नो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सारे मुल्क की हैं, सारे देश की हैं, लेकिन हम एक छोटा सा स्टेट हैं और हमारी रिसोर्सेज कुछ नहीं, हम तो एक एग्रीकल्चर स्टेट हैं सर, एंड दो वी हैव हैड अ गुड क्रॉप, दैट्स नॉट इनफ टू रन दी स्टेट। मेरे पास इस साल जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होएगी मेरी 25-30,000 करोड़ की होगी। सो आई हैव मेंशन दैट इन डिटेल कि सम हाउ द अदर्स आपसे हम हेल्प चाहेंगे उसमें। GST पेमेंट जनवरी फरवरी मार्च की आ गई हैं 2800 करोड़, अभी अप्रैल मई वगैरह जून की आनी है। आई वुड रिक्वेस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर इसको देखने के लिए। फ्री फूड ग्रेन, मैंने आपको ये भी लेटर लिखी है सर कि जो हमारे अंडर ब्लू कार्ड, अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन्स लोग हैं, या कुछ माइग्रेंट लेबर जो नहीं गए, मेरे 1,300,000 माइग्रेंट लेबर सीजा, सिर्फ हमने कोई 400 ट्रेन में 5,60,000 हमने भेजे वापस, तो इधर हैं वो, अब इंडस्ट्री में कुछ लग गए, कुछ अभी इंडस्ट्री नहीं खुली, जब खुली लगेंगे, लेकिन उनको आज भी हम, कल भी मैंने 1,500,000 फूड पैकेट्स भेजे हुए हैं उनको देने के लिए। सो अगर आप इस कुछ हमें हेल्प कर सकते हो इन फूड ग्रेन्स,
कनक गेहूँ हो, दाल हो, तो हम उनको पहुँचा सकते हैं। देन सर, आपने ये जो हमें अपने बॉरोइंग लिमिट थी हमारी 3%, आपने 5% कर दी, 2% इंक्रीज कर दी, लेकिन वो सारी लिमिट हो गई ऑन टू सर्टन थिंग्स, ऑन कुछ रिफॉर्म्स पे कर दिया, कुछ किसी चीज़ पे कर दिया। सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि हम जानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आई हैव टू यूज़ सम मनी फॉर रनिंग द स्टेट, आई कैन नॉट ओनली डू रिफॉर्म्स। तो मेरी रिक्वेस्ट आपको है कि ये जो कंडीशंस लगाई हैं आपने, वो कंडीशंस आप हटा दो। इफ़ यू कैन टेक अवे द कंडीशंस एंड लीव इट टू द स्टेट्स टू डिसाइड। हम भी ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे पैसे, बिकॉज आखिरकार हमारे पैसे हैं, हम लोन ले रहे हैं, पंजाब का लोन है, पंजाब ने वापस करना है, तो हम भी इसको यूजफुली यूज़ करेंगे जैसे हम ठीक समझते हैं अपने स्टेट के लिए। एक सर और रेवेन्यू ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर 3 months, अगर आप इस बात को देख सकते हैं टू मीट द शॉर्ट फॉल, अगर 3 महीने के लिए आप रेवेन्यू ग्रांट दे सकते हैं, इट विल हेल्प अस गेट ओवर दिस क्राइसिस एट द मोमेंट। उस टाइम तक तो इंडस्ट्री भी उठ जाएगी। एंड द अदर वन सर, जो 15 फाइनेंस कमीशन है, ये अगर अपनी रिपोर्ट को रिव्यू कर सकती है करंट ईयर को देख के, दैट द सिचुएशन इज कम्प्लीटली चेंज। जब हम फाइनेंस कमीशन को मिले थे हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और बन गए, तो अगर वो दोबारा इस बात को देख लें तो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस। सर, द रेस्ट नेक्स्ट इज, आपने कहा था अपनी अप्रैल में कि लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स हम दोनों चीज़ देख रहे हैं। लाइव्स को तो वी आर फेयरली सक्सेसफुल इन, लाइवलीहुड्स पे अभी इतनी सक्सेस नहीं है। ठीक है, अभी गेहूं की हमारी फसल आई, बड़ी रिकॉर्ड फसल थी, और 24,000 करोड़ लोगों के जेबों में पहुँच पाया किसानों के पास, और जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है मेनली और फूड सेक्टर, दैट इज़ इम्प्रूव्ड, लेकिन नॉट द रेस्ट। मेरे तो 40% लोग शहर पे रहते हैं, और शहर के इंडस्ट्री वगैरह पे हैं, उनको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। सो आई वॉन्ट टू, वी विल लुक आफ्टर देयर लाइवलीहुड्स, लेकिन आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। द वेरी सर, देन लास्टली आई वुड लाइक टू प्रपोज समथिंग। सर, आप जरा इसको अगर सोच सकते हैं कि अगर आप एक ग्रुप चेयर करें विद सम चीफ मिनिस्टर्स टू हेल्प डिस्कस सच इशूज़ इन्वॉल्विंग स्टेट एंड सेंटर, जो हमारी प्रॉब्लम अपनी है, आप चेयर करें एक ग्रुप, किसी चीफ मिनिस्टर्स को लगा दें उधर, सो दैट वी कैन कम अप विद अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू कोविड। आखिरकार आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, देश की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है। तो अगर आप चेयर करेंगे, हम वहाँ बैठ के डिस्कस आपके साथ कर सकते हैं, वी कैन कम अप विद सम सोल्यूशन ऑन एवरी टाइम, बिकॉज सोल्यूशन तो प्रॉब्लम्स तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी लेफ्ट प्रॉब्लम हो गई, कोई राइट प्रॉब्लम हो गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो इसको हम ऑन रेगुलर बेसिस को डील कर सकें, ताकि वी वुड बी एबल टू गिव अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू द कोविड इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट वर्किंग बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी लास्ट, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी फॉर पंजाब। एंड आई होप मैं जो आपने आपको बात की है, अगर आप जरा इसको प्लीज़ दे के हमारी हेल्प जरूर करें, अदरवाइज पंजाब विल बी इन अ सीरियस ट्रबल। थैंक यू सर।